तो दोस्तों काफी दिन से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, जिसका कारण मैंने आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट पर बताया था। लेकिन जिनको नहीं पता, तो कुछ दिनों पहले मेरे दादाजी का देहांत हो गया था, जिसके कारणवश मुझे अपने होम टाउन जाना पड़ा और इसलिए वीडियोस नहीं आ पाई। लेकिन अब से वीडियोस रेगुलरली आएंगी और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। और शुरुआत होगी एक ऐसी मूवी से जो कि 2004 में रिलीज हुई थी, और ये मूवी बाकी मूवी से थोड़ी सी अलग है। फिल्म के कैरेक्टर्स के नेम को प्रोनाउंस करते समय हो सकता है कि वो 100% एक्यूरेट ना हो, इसलिए कैरेक्टर्स के नाम को मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा ताकि आप क्लियरली समझ पाएंगे। इस फिल्म का नाम है शटर, जो कि एक थाई सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को IMDb पर 7.1 रेटिंग मिली है, और शटर मूवी में कुछ मिस्टीरियस फोटोग्राफ्स के कंसेप्ट पर फोकस किया गया है जो कि सभी को हॉन्ट करती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट रही और इसके इंग्लिश और हिंदी रीमेक्स भी बने हैं, जैसे शटर इंग्लिश रीमेक जो कि 2008 में आई थी, और हिंदी रीमेक क्लिक जो कि 2010 में आई थी, स्टारिंग श्रेयस तलपड़े। लेकिन हम फोकस करेंगे ओरिजिनल मूवी पे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा शटर मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है कुछ फ्रेंड्स को दिखाते हुए जो कि पार्टी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ में मजाक कर रहे हैं। इनमें से मेन कैरेक्टर्स है टून, जो कि एक फोटोग्राफर है, और उसकी गर्लफ्रेंड जेन, जो कि फोटोग्राफी की फोर्थ ईयर स्टूडेंट है। बाकी दोस्तों के नाम है टॉन, जिम और मैंग। यहाँ पर शादी और टून की पास्ट गर्लफ्रेंड्स के बारे में डिस्कशन चल रही है व्हाइल कंज्यूमिंग द अल्कोहल। अब कार चलाते समय ये दोनों ही ड्रंक थे। कार ड्राइव कर रही थी जेन, जो कि इवेंचुअली एक जवान लड़की को टक्कर मार देती है, जिसको वो देख ही नहीं पाती। जेन उस लड़की की मदद करने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन टून इतना ज्यादा डर जाता है कि वो उस लड़की की मदद करने से मना कर देता है। वो वहाँ से भाग जाते हैं और उस लड़की को वो वहीं पर घायल रोड पर छोड़ जाते हैं। जेन और टून दोनों काफी डरे हुए थे, और एक स्ट्रेंज बात ये थी कि सभी हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशन में चेक करवाने पर कोई भी एक्सीडेंट की केस की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब टून को फोटोग्राफ्स में एक मिस्टीरियस व्हाइट नजर आती है, और एक फोटोग्राफ में उसको एक चेहरा नजर आता है, जिसको वो नेगेटिव और नॉर्मल फोटो दोनों में ही चेक कर कंफर्म करता है। टी नाम का एक फोटोग्राफर डेवलपर भी इस चीज को देखता है, और चेक करने पर नेगेटिव फोटोज में भी ये व्हाइट शेडो थी और एक लड़की का फेस। टून और जेन दोनों ही इस चीज को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि ऐसा होना नॉर्मल नहीं था। टून और जेन दोनों को ही घर में किसी के होने का एहसास होता है। जेन को फोटोग्राफ डेवलप करने वाले रूम में एक लड़की दिखाई देती है, जो कि वॉश बेसिन से बाहर आ रही थी, बट इवेंचुअली स्नैप होता है और वो नॉर्मल हो जाती है। टून को भी जेन के रूप में नजर आती है कोई लड़की, जो कि जेन नहीं बल्कि कोई घोस्टली फिगर थी। अब जेन का इन सबको देखकर ये कहना था कि यह उसी लड़की का घोस्ट है जो कि उस रात एक्सीडेंट में मारी गई थी। टून को अपनी नेक में उसी एक्सीडेंट के बाद से ही काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है, जिसका कारण उसको समझ नहीं आता। डॉक्टर्स को दिखाने पर टून का वेट उसके नॉर्मल वेट से डबल आता है, जो कि नर्स और उसके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। अब सुपरनेचुरल के होने को नकारते हुए ये दोनों जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर घोस्ट मैगजीन्स छापी जाती हैं। इस मैगजीन के बारे में जेन ने देखा था। वहाँ जाकर इनको पता लगता है कि मोस्टली तस्वीरें इस मैगजीन्स के अंदर फेक होती हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स को इस टाइप की मैगजीन्स में पढ़कर काफी मजा आता है। पर यहाँ पर मैगजीन्स का मालिक इनको एक सेपरेट एल्बम दिखाता है, जिसको वो बिल्कुल रियल बताता है और सुपरनेचुरल के एग्जिस्टेंस को सच का करार दिया जाता है। उसका कहना था कि ये स्पिरिट्स अपने लव्ड वन से अटैच होने के लिए ही इस रील में रह जाती हैं। उन तस्वीरों की सिमिलैरिटी बिल्कुल टून की फोटोज से मिलती थी। इन फोटोज के रियल होने की एक और वजह थी कि इनको पोलरॉइड कैमरे से खींचा गया था, और उस वजह से इन फोटोज को एडिट किया ही नहीं जा सकता था। अब यहाँ पर टून का दोस्त टॉन भी उस घर में आता है और काफी डरा डरा सा रहता है, जो कि कुछ फोटोग्राफ्स के बारे में टून से पूछता है और एक लड़की के बारे में बात करता है, जिसके बारे में सुनकर टून काफी ज्यादा घबरा जाता है। जेन अब उन तस्वीरों के पैटर्न को समझती है और कॉलेज जाती है जहाँ पर टून पढ़ा करता था। वहाँ एक रूम में जाने पर जेन पोलरॉइड कैमरा से ही तस्वीर लेती है, जिसमें वही सेम लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो नजर आती है। वो फोर्स एक फोटो पर जाकर टकराती है, जिससे एक लड़की नजर आती है, जिसके बारे में वो कॉलेज ग्रुप फोटोज में चेक करती है, जिसमें उसको टून भी इस लड़की के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। इस लड़की का नाम था नैटरे, जो कि टून
उनके कॉलेज में एक शाय लड़की थी। टुन को कन्फ्रंट करने के बाद में टुन एडमिट करता है कि वो और नेटरे एक रिलेशनशिप में आ गए थे जिसको उसने अपने दोस्तों से छिपाए रखा था। यह दोस्त वही थे जिनको शुरुआत में अल्कोहल कंज्यूम करते वक्त पार्टी में दिखाया गया था। नेटरे ने टुन से बहुत ज्यादा प्यार किया, लेकिन नेटरे ने सुसाइड करने की धमकी दी जब टुन ने रिलेशनशिप को अचानक से ही तोड़ दिया था। टुन ने यह भी बताया कि ये सब बातें उसने अपने दोस्तों को बताई थी और उन्होंने टुन को प्रॉमिस किया था कि वो नेटरे को संभाल लेंगे, और उसी दिन के बाद से नेटरे नजर नहीं आई और टुन को कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर नेटरे है कहां पर। अब इस पर जीन का कहना था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि नेटरे का घोस्ट उसके पीछे है। खैर, अब इसके बाद टुन जाता है सीधा टॉन के घर में जहां पर वो उसको सुसाइड करते हुए विटनेस करता है। अब टॉन की बीवी जीन और टुन को बताती है कि तुम सभी दोस्तों के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम सब सुसाइड कर रहे हो, यानी कि टुन के बाकी दोस्तों ने भी इसी तरह टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अब इस बात से टुन बहुत डर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अगला नंबर उसी का था। अब नेटरे की हॉन्टिंग तो रुक जाती है, तो जीन और टुन नेटरे की माँ के घर जाने का सोचते हैं। वहां जाकर उसको नेटरे के बेडरूम में नेटरे की डिकेइंग डेड बॉडी दिखती है जिसका क्रियाकर्म नहीं किया गया था, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि नेटरे घर पर ही थी। अब उनको पता चलता है कि नेटरे ने टेरेस से कूदकर सुसाइड कर लिया था और उसके बाद नेटरे की माँ उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहती थी। नेटरे का छत से कूदकर सुसाइड करना ये भी क्लियर करता है कि क्यों टुन के दोस्तों ने भी छत से कूदकर अपनी जान दी थी। हालांकि असली सच का खुलासा अंत में होगा, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। नेटरे की माँ को काफी समझाने के बाद में नेटरे का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जीन यह सोचती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। टुन और जीन उस रात साथ में एक होटल में रुकते हैं जहां पर टुन उठता है और उसको बेड में नजर आती है नेटरे का घोस्ट। अब वो भागकर होटल की सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक ही जगह पर बार बार भागकर आ रहा था, जो कि था फोर्थ फ्लोर। वहां पर उसको जीन नजर आती है जो कि उसको यही कहती है कि इतना प्यार करने के बाद भी तुमने मुझे कैसे छोड़ दिया। जीन नेटरे में बदल जाती है और टुन खिड़की से नीचे उतरने लगता है, पर वहां पर भी नेटरे का घोस्ट आता है और बस टुन नीचे गिर जाता है। अगली सुबह टुन की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और वहां से वो अपने होम टाउन वापस चले जाते हैं। जीन टी के पास जाकर कुछ फोटोग्राफ्स कलेक्ट करती है। उन पिक्चर्स को वो सीक्वेंस में लगाकर कुछ फोटोग्राफ्स देखती है जिनमें नेटरे का घोस्ट बुक केस की तरफ जा रहा था। अब उस तरफ जाकर बुक केस में जीन को नेगेटिव फोटोग्राफ्स मिलती हैं जिनको डेवलप करने पर उसको एक बहुत ही बड़ा राज पता चलता है। असल राज ये था कि टुन के दोस्तों ने नेटरे को सेक्सुअली अब्यूज किया था कॉलेज के उसी लैब में जहां पर जीन को पोलराइड कैमरा में एक स्पिरिट दिखी थी। वो स्पिरिट नेटरे की ही थी। अब ब्रेकअप के बाद नेटरे उसको सुसाइड करने की धमकी दे रही थी और यह चीज उसने अपने दोस्तों को बता दी। फिर उसी कॉलेज लैब में नेटरे के फ्रेंड्स ने नेटरे को सेक्सुअली अब्यूज किया था। टुन भी उस वक्त उसी लैब में था और उसने नेटरे की कोई भी मदद नहीं की, बल्कि उसने खुद की जान बचाने के लिए नेटरे की इस तरह की तस्वीरें क्लिक करी थी और यह नेगेटिव जो जेन को मिली थी वो वही थे। शुरुआत के एक सीन में टॉन जब फोटोज और एक लड़की के बारे में बात कर रहा था तो वो नेटरे और इन्हीं नेगेटिव्स के बारे में बोल रहा था। टुन के सभी दोस्तों ने सुसाइड नेटरे के डर की वजह से ही किया था। नेटरे अभी तक जेन को इन्हीं सब चीजों के बारे में वार्निंग देने की कोशिश कर रही थी। खैर, अब जेन टुन के सामने इन सभी चीजों के बारे में कन्फ्रंट करती है और बस टुन सब कुछ एक्सेप्ट करता है और कहता है कि उसने आज तक खुद को माफ नहीं किया है इन सब चीजों के लिए और उसने प्रेशर में आकर ये सब किया। टुन का कहना था कि उसने नेटरे से प्यार करने की बहुत कोशिश की लेकिन उससे नहीं हो पाया। अब यहाँ पर जीन कुछ भी नहीं सुनती और उसको छोड़ के चली जाती है। टुन नेटरे के घोस्ट के द्वारा अभी भी डरा हुआ था। टुन अब पोलरॉइड कैमरा की मदद से पूरे के पूरे घर की फोटोज लेने लगता है ये चेक करने के लिए कि आखिर नेटरे है कहाँ पर, लेकिन किसी भी फोटो के अंदर में वो उसको नजर नहीं आती। गुस्से में वो अपना कैमरा फ्लोर पर फेंक देता है और अचानक से ही उसकी फोटो कैमरा में कैप्चर होती है और बस फोटोग्राफ में नजर आता है कि नेटरे टुन के कंधे पर बैठी हुई है और गुस्से में नेटरे टुन की आंख बंद कर देती है जिससे वो ऑफ बैलेंस होकर विंडो से बाहर गिर जाता है। अब फाइनल सीन्स में हमको बैंडेजेस में बंधा हुआ और झुका हुआ टुन नजर आता है जिससे मिलने के लिए जेन आई है। जेन उसको देखकर रोने लगती है और जैसे ही वो अंदर उससे मिलने जाती है गेट के रिफ्लेक्शन में हमको नेटरे का घोस्ट टुन के कंधों पर बैठा हुआ दिखता है और बूम, मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों टुन ने हॉस्पिटल में अपना वेट जब चेक किया था तो उस वक्त नेट्रे उसके ऊपर बैठी हुई थी, इसलिए ही ऐसा हुआ कि उसका वेट डबल था। इस फिल्म के अंदर एक प्रमोशन भी दिखाया गया था जहां पर एक इन्फॉर्मेशन ग्रास हॉपर्स के बारे में दी जाती है कि जब मेल और फीमेल इंटीमेट होते हैं तो फीमेल जो होती है वो मेल को मार देती है और उसको खा जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड। तो सेम तरीके से ही टुन के साथ भी हुआ। दूसरा, टुन को उसके किए की सजा मिली और उसके दोस्तों को भी। बाकी घोस्ट मैगजीन्स के ओनर ने एक बात कही थी कि यह स्पिरिट्स अपने लव्ड वन से अटैच होने के लिए ही इस रियल में रुक जाती हैं। सेम चीज नैट्रे ने भी की और वो टुन के साथ ही रही अंत तक। अब बात करते हैं शुरुआत में हुए एक्सीडेंट की। तो वहां पर वो नेट्रे की स्पिरिट थी जो कि वहां पर नजर आई थी और उस वक्त टुन को ये चीज पता थी कि वो नेट्रे है, इसलिए उसने ये कहा कि यहाँ से गाड़ी फटाफट निकाल लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक शेयर और कॉमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब कर लीजिए घोस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल को ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस के लिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे।